सत्ता की चकाचौंध में चौंधियाए हुए गायत्री प्रजापति को दिन के उजाले में ही सुप्रीम कोर्ट ने रात के तारे दिखा दिए हैं। कहते हैं कि सत्ता का नशा अंधा होता है। यूपी के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक गायत्री प्रजापति का विवादों से काफी पुराना नाता है। नई बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जी पर गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को भी कहा कि 2 महीने के भीतर जवाब भेजें। प्रजापति इस समय यूपी कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। चित्रकूट की रहने वाली एक 35 साल की महिला ने समाजवादी पार्टी में पद दिलाने के नाम पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी प्रजापति ने छेड़छाड़ किया था। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री जी पर आरोप लगे हैं। बलात्कार से पहले वे विचार और भ्रष्टाचार के आरोप भी गायत्री प्रजापति पर लग चुके हैं। कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। यह अलग बात है कि मुलायम सिंह के दबाव में उन्हें सरकार में शामिल करना पड़ा था। अब देखना यह है कि वोटिंग से कुछ दिन पहले प्रजापति पर लगे आरोपों का असर अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कैसे पड़ता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।